continue for a while. मैं यही कहना चाहूँगी कि इट्स एन अवार्ड फंक्शन टू फेलिसिटेट वुमेन हेल्थ एंड देयर एम्पावरमेंट, सो इट्स अ वेरी गुड कॉज एंड संग्राम जी भी चाहेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड उनकी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ किया जाए और शायद अवार्ड फंक्शन के थ्रू वी कैन सेंड द राइट मैसेज. अच्छी बात है यार, पहले वैसे डॉक्टरों के मोस्टली अवार्ड फंक्शन होते थोड़े बोरिंग से होते थे, डॉक्टर आते थे बैठ जाते थे, थोड़ा सा एंटरटेनिंग होगा, थोड़ा मजा करेंगे हंसी करेंगे, और एक अच्छी बात है इसके साथ साथ एक अच्छा सोशल मैसेज जाएगा कि हेल्थ कितनी जरूरी है. अच्छी हेल्थ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम आ सकते ना अवार्ड फंक्शन अटेंड कर सकते. तो खासकर शाम को लेके क्या क्या तैयारी है आज की शाम को लेके जो उनके हम दोनों पहली बार विल बी होस्टिंग टुगेदर एन इवेंट एंड इट्स हेल्थ अवार्ड्स. तो संग्राम जी जो इतना फिटनेस दूध दही च्यवनप्राश आप सबने देखा था, ही इज अ फिटनेस फ्री, तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं लोगों को पूछूंगा कि आप हेल्दी रहने के लिए क्या करेंगे. आज इन सब आज इनके जितने डॉक्टर आए मैं सभी खिंचाई करने वाला हूँ कि फिटनेस क्या है, हेल्थ क्या है, और जो और एक्चुअली जो डॉक्टर अवार्डी हैं उनसे पूछेंगे कि उनके लिए क्या महत्व है फिटनेस का, वो किस तरह फिट रहते हैं, तो सबसे जानेंगे पूछेंगे थोड़े मौज मस्ती करेंगे. नो डाउट के डॉक्टर मतलब कुछ जिंदगी बचाते हुए काफ़ी और काफ़ी कुछ खराब भी कर देते हैं, मगर मोस्टली बचाते ज़्यादा हैं. तो नो डाउट डॉक्टर का एक जो दर्जा है वो काफ़ी बड़ा है और उसी के मद्देनजर रखते हुए अवार्ड फंक्शन है, तो उनके साथ थोड़ी मस्ती करेंगे और थोड़ा सा समझा करेंगे. वन सेकंड उन्होंने बोला कि डॉक्टर भगवान है. आई अंडरस्टैंड डॉक्टर भगवान है, बट अगर हम अपने शरीर का खुद ख्याल रखें तो हमारे से बढ़कर हमारा शरीर का वेल विशर कोई और नहीं हो सकता. हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम खुद का ध्यान रखें तो. सलमान जी वाली बात है, जब हम हंसते थे तो यही कहते थे कि बल्कि डॉक्टर ना ज्यादा बीमार होते हैं. बोला हम ठीक रहते हैं तो अच्छी बात है कि डॉक्टर सब ठीक करते हैं, मगर सबसे पहले हमें खुद अपने आप को ठीक रखना है. डॉक्टर भी इंसान है, अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो फिर डॉक्टर साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे. अच्छा, आज जो कॉज है उनके लिए काफ़ी सेलिब्रिटीज आए हैं सपोर्ट करने के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि एक साथ इतने सारे सेलिब्रिटीज आए इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए? Just want to very happy कि people are you know being a part of an award function that's जो women health और empowerment को support करता है. and क्या है हमारे देश में सिर्फ Bollywood और cricket है जो दो चीज़ है जहाँ जो association हो जाती है जिसके साथ एक awareness create हो जाती है, तो it's nice that people are coming across from our industry and supporting this cause. नहीं यार, अब wrestling है सभी कुछ, अभी wrestling भी है सब सभी कुछ है और अच्छी बात है जितने आ रहे हैं वो सेलिब्रिटी, ये सब बात की बात है. एक पहले फिट रहो अच्छा इंसान बनो वो सबसे पहले, तो जितने आ रहे हैं सबका मोस्ट वेलकम. अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी होता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एक अपनी तरह का खास यू नो अवार्ड फंक्शन है और यू नो सुनीता इज डूइंग एक्सेलेंट जॉब एंड अबाउट डॉक्टरों को उनको सम्मानित करना, और क्या किस तरह का शो देखने को मिलेगा जब ये ऑन एयर होगा? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जिन्हें सम्मानित करने की ज़रूरत है वो आज यहाँ पर इस हॉल में मौजूद हैं. इनके ज़रिए हिंदुस्तान आज स्वस्थ है, हेल्दी है. इन्हीं डॉक्टर्स के ज़रिए हम कम से कम प्राउडली ये कह सकते हैं कि हमारे कंट्री में डिजीज़ रेट, डेथ रेट बाकी कई सारी कंट्री से बेहतर हो गया है. समथिंग हैज़ चेंज इन द लास्ट 50 ईयर्स करिश्मा. हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे 1947 में जो डेथ टोल हुआ करता था कंपेयर टू 2014 एट स्टेज थैंक्स टू दीज डॉक्टर्स. ओके करिश्मा, यू लुकिंग स्टनिंग यू नो. थैंक यू. लगता है कि मरीज तो आपको देख के ठीक हो जाएगा. एंड सो टॉल. मनका ने यही बोला था कि मरीज यहाँ देखेंगे और ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर भी शायद यहाँ मरीज बन जाए, ऐसा हो सकता है. मनका राइट? एब्सोल्युटली. सो यस, इट्स एन ऑनर टू बी हियर. मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं यहाँ हूँ इतने सारे टैलेंटेड डॉक्टर्स के बीच, और ये हम दोनों शो होस्ट कर रहे हैं आज मरीज के इंडिया. तो मुझे बहुत ही लकी फील हो रहा है कि मैं ये शो में आई हूँ, ये मैं शो प्रेजेंट कर रही हूँ और मैं ये शो मंत्रा के साथ होस्ट कर रही हूँ. और क्या क्या मस्ती देखने को मिलेगी आपको? आपको यूजुअल मंत्रा करिश्मा की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी. यूजुअल हम लोग एक्चुअली बड़े संजीदा से रहने वाले डॉक्टर्स हैं, आज उनके लाइट हार्टेड साइड देखना चाहते हैं, बिकॉज वेरी फ्रेंकली हमें अच्छी तरीके से मालूम है मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े जितने लोग हैं, भले कितने भी सीरियस डॉक्टर्स हों, अंदर से सब बहुत मस्ती हो रहा था. मैं सही बोल रहा हूँ सर? एग्जैक्टली. तो अंदर की जो हमारी डॉक्टर्स की भावना है, अंदर की जो वो उनकी जो फनी साइड है वो हम निकालने की कोशिश करेंगे. इट्स गोना बी अ लाइट हार्टेड इवनिंग. क्या 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 खास जहन में रखा आपने? अमूमन आप बहुत से अवार्ड का फंक्शन का हिस्सा रहे हैं, होस्ट भी किया है, ये सब एक अलग सा
तरह का अवार्ड है जहाँ डॉक्टर को सम्मानित करा जा रहा है? फ्रेंकली पहली बार मैं डॉक्टर अवार्ड होस्ट कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही न्यू है, मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, क्योंकि मैं इतने सारे टैलेंटेड डॉक्टर्स के बीच में हूँ. लाइक मुझे कितने सारे डॉक्टर्स की फील्ड है वो उसकी नॉलेज मिली है कि पीडियाट्रिशियन होते हैं, ऑर्थोपेडिक होते हैं, इतना ये है, तो मुझे पता चला है कि कौन बेस्ट डॉक्टर्स हमारे बॉम्बे में है आज. मतलब ऐसा नहीं था कि पंचलाइन आपने दी उन्हें समझ में नहीं आया? नहीं नहीं क्या बात कर रहे हैं, उनको पंच का मतलब ज़्यादा बेहतर पसंद मालूम है क्योंकि वो उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते रहते. बट यस, लेट मी टेल यू, ऑल माय डॉक्टर फ्रेंड्स, जितने भी देश भर में मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने MBBS किया या डॉक्टर्स बने या द फनीएस्ट पीपल, उनके पास जितने जोक्स मिलते हैं मेरे को नहीं लगता कि हमें नॉर्मल स्टैंड अप कॉमेडियंस के पास भी मिलेंगे. ओके, द लास्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, व्हाट्स हैपनिंग ऑन प्रोफेशनल फ्रंट यू नाउ? Loads and loads of stuff. Karishma, what about you? I am doing couple of films. मेरी दो तीन films release हो रही है next year Jan में और Feb में, और मैं एक south film भी कर रही हूँ. So that and I'm doing couple of reality shows also. And of course, Antakshari begins from 27th of September on Sub TV, जो कि of course एक revival है, और बहुत जल्द आपको अन्नू कपूर, मैं और सुगंधा मिश्रा अंताक्षरी होस्ट करते हुए देखेंगे, तो घर पे लोग अंताक्षरी खेलने के लिए तैयार हो जाए. Thank you so much. आज की शाम आपके लिए किस तरह से खास? एक्चुअली अभी 5 मिनट पहले मैंने इसका आंसर किया, वापस बोलूँ? अच्छा, इट्स अ वेरी, दिस इवेंट इज फॉर सपोर्टिंग अ गुड कॉज, एंड इट्स इन सपोर्ट ऑफ वुमन पावर, वुमन सेफ्टी एंड वुमन एम्पावरमेंट. एंड एज अ वुमन आई फील वुमन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, सो आई हैड टू बी हियर टू सपोर्ट दिस कॉज. अच्छा, अंदर जो है अलग तरह के परफॉर्मेंस होने वाले, सब सेलिब्रिटीज आए, तो किस तरह के परफॉर्मेंस देखने मिलेंगे? Well, I have no clue कौन perform करने वाला है, so I'm looking forward to going inside and seeing what is in store. जो है काफ़ी अच्छा cause है और काफ़ी celebrities इसे support करने भी आए, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? एक्चुअली बहुत ही, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये बहुत ही अच्छा कॉज है, और आजकल जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन टू टेक केयर ऑफ हर सिक्योरिटी. मतलब अगर कुछ होता है तो एन इवेंट इज़ नॉट कॉल्ड फॉर, बट अपनी तरह से हम अपना ध्यान रखने के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और इसकी अवेयरनेस हमें जितनी हम स्प्रेड कर सकें उतनी स्प्रेड करनी चाहिए. यहाँ पे जो है डॉक्टर को फेलिसिटेट किया जा रहा है, तो डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऑफकोर्स, बिकॉज जब भी कोई बीमार पड़ता है एक डॉक्टर ही होता है जो ठीक करता है. मतलब आपकी बीमारी स्मॉल स्टेज से एकदम लास्ट स्टेज पे भी जा सकती है इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड. सो भगवान का जो दूसरा नाम है वो डॉक्टर ही है. आखिर में डॉक्टर्स को क्या मैसेज देना चाहिए? डॉक्टर्स को मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. मतलब हम काफ़ी बार हम बोलते हैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, बट यू नो एक डॉक्टर का काम है. मतलब मैं कहूँगी कि डॉक्टर रोज़ एक अच्छा काम कर रहे हैं किसी को ठीक करके, सो एवरी डे इट्स अ गुड कर्मा ऑन फ्रॉम हिज साइड, सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग दैट ही डज. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाल ही में मैंने YouTube पर एक छोटी सी फिल्म पेश की है जो चार और मर्दों के साथ है, जहाँ हमने मर्दों की तरफ से एक अपॉलोजी पेश की है औरतों की, बिकॉज ऑफ वॉट इज हैपनिंग एंड बिकॉज ऑफ द डिसरिस्पेक्ट, बिकॉज ऑफ द रेप एंड बिकॉज ऑफ द सप्रेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया. सो टू सपोर्ट द इक्वालिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया, उन्हें हमें कंधे से कंधा मिलाना है और उन्हें उस तरह की रिस्पेक्ट हमें देनी है. डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है, तो क्या कहेंगे उनको? डॉक्टर को जो भगवान का दर्जा दिया गया है देश में, उनके लिए क्या सर ये होता है? क्योंकि डॉक्टर ऐसी चीज़ है जो हमेशा लोगों की जान बचाते भी हैं, तो वो गलत नहीं होगा ऐसा कहना कि डॉक्टर भगवान के रूप में देखे जाते हैं. अच्छा, आखिर में डॉक्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज डॉक्टर्स के लिए यही है कि वो जिस तरह अपना काम कर रहे हैं, यू नो कभी कभी वो अपने निजी परिवारों को भी इग्नोर कर देते हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, बिकॉज वो लगे रहते हैं 12 घंटे नहीं, कभी कभी 2400 घंटे उन्हें फुर्सत नहीं मिलती अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए. जिस तरह की लगन हम डॉक्टरों में देखते हैं वाकई काबिल तारीफ है. हम जिस तरह
अपने जवानों की बात करते हैं जो पहरा देते हैं हमारे देश के लिए, इस तरह डॉक्टर भी आज हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी सोसाइटी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पकड़ो यार, दो दो जन मत पकड़ो, पकड़ रहे।